नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा देने वाला फैसला आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लिए जाने की शोभगाठ तेज हो चुकी है। जिस तरह से एक वेब सीरीज महारानी में मुख्यमंत्री पद अपनी पत्नी को सौंप दिया जाता है, उसी तरह से उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र का सीएम पद अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को सौंप सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। पिछले 51 दिन से विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के चलते उनकी तबीयत खराब होने के कारण उद्धव ठाकरे विधानसभा नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सलाह दी जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि अब उद्धव ठाकरे को स्वास्थ्य कारणों के चलते सीएम पद छोड़ देना चाहिए और सीएम कुर्सी पर उनको अपने भरोसेमंद अपने बेटे आदित्य ठाकरे या फिर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को बिठा दिया जाना चाहिए, ताकि विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री की उपस्थिति हो सके। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस को चिढ़ाते हुए भी विपक्ष ने उद्धव ठाकरे का भरोसेमंद नहीं होने वाला तंज कसा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में शिवसेना की बराबर पार्टनर कांग्रेस और एनसीपी को उद्धव ठाकरे का भरोसेमंद नहीं होने वाले बयान पर अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जैसे ही रश्मि ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठाने की बात कही, तो तुरंत प्रभाव से उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत मीडिया के सामने आए और उद्धव ठाकरे के बिल्कुल स्वस्थ होने का राग अलापना शुरू कर दिया। वहीं एनसीपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ऑनलाइन सभी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री को विधानसभा पहुंचना जरूरी भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अधिवेशन सत्र के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं रहते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री को विधानसभा में उपस्थित रहने की क्या आवश्यकता है। लेकिन पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के एक स्वतंत्र पत्रकार समीर ठक्कर द्वारा अजीत पवार को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने को लेकर के दावा किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई थी और एनसीपी भी सीएम कुर्सी पर कब्जा करने के लिए लगातार रणनीतियां बना रही थी। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य में काफी सुधार होने का दावा किया है, साथ ही महाराष्ट्र का सीएम बदलने की आवश्यकता को भी नकार दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी दरार पड़ने के कारण उद्धव सरकार गिरने की बात लगातार कही जा रही है। साथ ही मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा भी ठोक रखा है। ऐसे में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो बदलेगा, लेकिन नया सीएम एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से होगा। इस तरह की बात विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के दौरान पुणे के एक कार्यक्रम में इस बात को दोहराया था, जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल पैदा कर चुका है। एक तरफ पवार परिवार पर हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे हैं, जिससे शरद पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में भी सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा बीजेपी कर रही है, जो उद्धव सरकार गिरने का कारण भी बन सकता है। जिस तरह से शरद पवार को लेकर के कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सहकारिता विभाग को लेकर के जो घोटालों के आरोप लगे हैं, अजीत पवार पर 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा है, इन सब के जांच की आंच है वो पवार परिवार तक पहुंच रही है और इसीलिए अजीत पवार की ईडी ने 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ऐसे में अब पवार परिवार की मुश्किलें बढ़ते देख करके शरद पवार कहीं ना कहीं बीजेपी और हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के सामने सरेंडर कर सकते हैं। ऐसे में वो कांग्रेस और शिवसेना से किनारा भी कर सकते हैं, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटेगा और उद्धव सरकार गिरेगी। इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कही जा रही है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ चुका है। अब सीएम पद बदलने को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना को झटका देने का काम ईडी ने शुरू कर दिया है। शिवसेना के विधायकों पर लगातार ईडी शिकंजा कस रही है। शिवसेना के भ्रष्ट विधायक अब ईडी की रडार पर है। शिवसेना के एक विधायक रविंद्र वाइकर से ईडी ने कल 8 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ की है और रविंद्र वाइकर है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के
काफी नजदीकी नेताओं में से एक हैं, शिवसेना के प्रमुख नेता हैं रविंद्र वायकर। उनसे ईडी 8 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है, और इस 8 घंटे में किस तरह के सवाल जो रविंद्र वायकर से किए गए होंगे, ईडी ने किस तरह की पूछताछ की होगी, इनका खुलासा होने से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, जो एनसीपी और कांग्रेस में बराबर की पार्टनर है, उनके विधायकों पर ईडी द्वारा शिकंजा कसने से उद्धव सरकार पर मुश्किलें हैं वो पैदा होगी, संकट पैदा होगा। इसी तरह एनसीपी के भी कई नेता सहकारिता विभाग के साथ साथ अन्य कई घोटालों में फंसे हुए हैं। पवार गैंग पूरी तरह से फंसी हुई है, और जिस तरह से 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप जो अजीत पवार पर लगा है, उसकी जांच की आंच से बचने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अमित शाह के सामने सरेंडर कर सकते हैं, इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको याद ही होगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इन्हीं जांच की आंच से बचने के लिए, इन्हीं जांच की जो रफ्तार है उसको कम करने के लिए दिल्ली में डेरा डाल रखा था, और लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के साथ समझौता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लगातार शरद पवार हैं वो मीटिंगें कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, गुप्त मीटिंगें कर रहे थे, लेकिन वहां पर बात नहीं गली। ऐसे में अमित शाह के 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के दौरान कई तरह के खुलासे हुए। सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ अमित शाह ने बैठक ली, और उसी बैठक में जो इन अजीत पवार के साथ साथ पवार गैंग के अन्य नेताओं द्वारा जो घोटाले किए गए थे, उनकी जानकारी भी अमित शाह ने हासिल की। और उसके बाद उसी सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ कहा था कि राजनीति से ऊपर उठ करके उद्धव सरकार को काम करना चाहिए। ऐसे में अब घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब सीएम पद को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते लगातार रेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी उनके किसी भरोसेमंद को सौंप देनी चाहिए, जिसमें पहला नाम उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे का है और दूसरा नाम आदित्य ठाकरे, उनके जो बेटे हैं पर्यावरण मंत्री भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे को यदि सीएम गद्दी सौंपी जाती है तो उन्हें पहले मंत्री बनाना होगा, उनके मंत्रियों की जो शपथ होती है वो पूर्ण होगी, उसके बाद ही सीएम गद्दी है वो रश्मि ठाकरे को सौंपी जाएगी। लेकिन आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाता है तो वो पहले से ही पर्यावरण मंत्री हैं, तो ऐसे में उन्हें दोबारा शपथ की जरूरत आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में इस सीएम पद बदलने को लेकर के चर्चाएं तेज है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को, जो उनकी सबसे भरोसेमंद जो कह सकते हैं कि नेता होंगी, और फिलहाल वो सामना की मुख्य एडिटर हैं, उन्हें सीएम गद्दी पर बैठाने का फैसला उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया जा सकता है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीएम पद बदलने को लेकर के जो चर्चाएं तेज है, इस पर आपके क्या विचार है? क्या उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठा सकते हैं, या फिर एनसीपी और कांग्रेस में से किसी नेता को महाविकास अघाड़ी गठबंधन का मुखिया बनाया जा सकता है? इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।